ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट खेलने के लिए भारत आ चुकी है, लेकिन कंगारुओं के भारत आने से पहले ये कहा जा रहा था कि शायद भारतीय टीम दोबारा इतिहास दोहराएगी, जिस पर हरभजन सिंह ने ट्वीट करके कहा था कि भारत ये सीरीज 4-0 से जीतेगा। लेकिन अब मैच शुरू हो गया है। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट खोकर 256 रन बना लिए हैं। पहले दिन कंगारुओं के लिए रेन शो ने 68 और मिशेल स्टार्क ने शानदार 50 लगाई। भारत की ओर से उमेश यादव ने 32 रन देकर 4 विकेट लिए तो अश्विन और जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। दिन का खेल खत्म होने तक मिशेल स्टार्क 57 और हेजलवुड क्रीज पर डटे हुए थे। आपको बता दें, इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। कंगारुओं की शुरुआत बेहद सदी हुई थी। 28वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा जब उमेश यादव के पहले ओवर की दूसरी बॉल पर खतरनाक डेविड वार्नर बोल्ड हो गए। पहले विकेट के लिए उन्होंने मैट रेनशो के साथ 82 रन की पार्टनरशिप की। इसके बाद कंगारुओं के विकेट गिरने का सिलसिला लगातार चलता रहा और दो बल्लेबाजों को छोड़कर कोई भी 50 का आंकड़ा नहीं छू सका। मैच में नया मोड़ तब आया जब उमेश यादव ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर कंगारुओं को बैकफुट पर ला दिया। यादव के 82वें ओवर की 4थी और 5वीं बॉल पर उमेश ने ओक्विफे और लियोन को पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया, लेकिन कंगारुओं की डूबती नैया के खेवनहार मिशेल स्टार्क बने। ऑस्ट्रेलिया के साथ मिशेल स्टार्क ने बेहद नाजुक मौके पर शानदार 50 लगाई। अब कल के खेल में देखना होगा कि मिशेल स्टार्क कंगारुओं की इस पारी को कहां तक ले जा पाते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।